नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपको बता दें कि पंचायती चुनाव को लेकर सभी जनप्रतिनिधि इस वक्त अपने अपने क्षेत्र में युद्ध स्तर पर उतर चुके हैं और अपने प्रचार प्रसार में जुड़ चुके हैं। वहीं देखने को मिला ठकराहा प्रखंड अंतर्गत मानव विकास सेवा संस्थान के द्वारा पीपी तटबंधन से कब्रिस्तान तक खड़ंजा क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिस पर आवागमन सुचारू करने के लिए मानव विकास सेवा संस्थान ठकराहा के अध्यक्ष पिंटू तिवारी द्वारा बोरे में मिट्टी डालकर गड्ढों की मरम्मत कराई गई। साथ ही पिंटू तिवारी से चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एवरेज गांव लिए आ रहा है, जिसमें दुकान बहुत सारा व्यवसाय चल रहा है। गांव में कभी भी आग लग जाए, भोजन बनवाना वहां बैठ के, वहां से सहायता राशि प्रदान करना, हमारे संगठन टीम के सदस्य लोग हैं यहां पे व्यवस्था कराना, कोई दवाई है कोई असहाय है, मतलब लाखों करोड़ कमाया गया, समाज से लुटाया गया। उसके साथ साथ कुछ लोगों द्वारा कहा गया क्यों ना भाई जनप्रतिनिधित्व का काम किया जाए, तो कुछ लोग और जाने आपको, ताकि और लोग जुड़े, आप सेवा करने का मौका मिले। इसके दौरान हम लोग 2000 से कुछ चुनाव भी लड़े, 2-4 बार चुनाव लड़े, बड़े रोमांटिक बड़ा। यानी आप खुद चुनाव लड़े? जी, जिला पंचायत के चुनाव लड़े, सेकंड विनर रहे, पिछला बार मुखिया के चुनाव लड़े, थर्ड स्थान मिला, सम्मान मिला, सारे लोग सम्मान मिला। आजकल तो थोड़ा माहौल चला हुआ है गाँव में, चुनाव आता है तरह तरह के लोग प्रोपेगेंडा बातें बना के, कुछ आज खरीद फरोख भी ज़्यादा बढ़ गया है। क्या इस वक्त भी आपके परिवार में आपके द्वारा कोई प्रतिनिधित्व किया जा रहा है या चुनाव लड़ा जा रहा है? जी जी, उसी संबंध में बताना चाहेंगे। माता जी हमारे चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव 20 साल से लड़ रहे हैं, चुनाव इस वक्त हम पहुंचे हैं ठकराहा प्रखंड के पीपी तटबंध से सड़क जो ढलती है और अली टोला क्षेत्र होते हुए ठकराहा क्षेत्र में जाती है। आपको बता दें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मानव विकास सेवा संस्थान के द्वारा सड़क जो क्षतिग्रस्त हो गया है उसकी मरम्मति का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है वो समय इस कार्य के लिए अनुकूल होते हुए भी नहीं है। आइए चलते हैं और मानव विकास सेवा संस्थान ठकराहा के अध्यक्ष से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। इनमें बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालातों पे उनका क्या प्रतिक्रिया होता है आइए देखते हैं। पिंटू जी, कुछ सवालात थे आपसे कि जो इस समय ये जो वर्क आप करा रहे हैं, क्या जाना जा सकता है कि इस वर्क की चेष्टा आपके अंदर कब से आई है? सर देखिए, बचपन से कोई भी चीज़ होता है, कोई भी अंश आता है, ईश्वर हम तो मानते हैं इस चीज़ को, जो सेवक को बना के भेजता है धरती पे। हम लोग ऐसे इंसान हैं, तकरीबन हमारा उम्र 16 साल हुआ करता था। पिंटू जी, एक सब सिर मैं पूछना चाहूँगा, जो जैसा कि जानकारी है कि आप सेवा संस्थान चलाते हैं, मानव विकास सेवा संस्थान, तो ये सेवा संस्थान का कार्य कब से हो रहा है और अभी तक आपने इस सेवा संस्थान के तहत क्या क्या कार्य किए? जी मैं वही बताने जा रहा हूँ आपसे, जहाँ शुरुआत हुआ है, पौधारोपण जहाँ हुआ था वो बताने जा रहा हूँ। तो एक असहाय व्यक्ति तूफानी दुसाद थे, बड़ी असहाय विकट व्यवस्था में गाँव के बीचों बीच जगह पर स्थान पर रहा करते थे। किसी कारण बस बीमार हुए, बीमारी इतना जकड़ लिया, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। हम लोग किसी काम से पहुंचे वहाँ पर, देखे कि भाई ये असहाय व्यक्ति, सिर्फ हड्डी बचा हुआ था, कंकाल रूप शरीर बचा हुआ था उनका। तो पूछे किसी से, भाई इनका दवाई भाई आ, तो कोई है नहीं, इनका कौन दवाई कराने वाला है। तो बड़ा हाथ हुआ उस बचपन में ही, भाई इतने बड़े गाँव में जहाँ एक एक बुद्धिजीवी हमारे गाँव में, इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक, नवोनंद कहा जाता है इस गाँव को,
बगैर दवाई के एक व्यक्ति मर जाएगा तो हम लोग पर एक कलंक का भागी होगा, गांव भी हम भी। उसके तहत हम लोग अपने ग्रुप में मित्रों के साथ एक योजना बनाए, गांव गांव घर घर जाकर भीख मांगा गया, धान गेहूँ उसका पटना जाकर इलाज कराया गया। वहीं से मन में ललक जगी, क्यों ना कुछ सेवा का भाव, पढ़ाई के दौरान ही कुछ सेवा का भाव संगठित किया जाए। तो हम लोग एक मानव विकास सेवा संस्थान का गठन किए, 10-10 रुपये चंदा लिया जाता था। इसके अंतर्गत बहुत सारा शुरुआत में करप्शन हुआ करता, उसका उजागर भी किया गया है। एक हम लोग करप्शन की जांच कराए थे, उसमें ग्राम सेवक जी थे डीएम साहब के द्वारा, उनको FIR भी हुआ, 5 साल वो सस्पेंड भी रहे। उसके साथ साथ हम लोग को किसी कारणवश वित्तीय सहायता नहीं मिल पाया, कुछ का व्यवधान उत्पन्न हुआ, तो हम लोग विचार बनाए क्यों ना मुंबई में चल कर मेहनत कर कमा के अपने गाँव के लिए कुछ किया जाए। तो वहाँ पर अथक प्रयास करने के बाद एक साल लगा, जो भी समय लगा, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पास समय नहीं है उतना व्यवधान सुनने का, तो थोड़ा फास्ट सुना देना चाहेंगे। वहाँ पर अथक प्रयास करके गांव के एक एक आदमी को प्रमाण है कि अपने साथ साथ जितने भी लोग थे, कम से कम 300 लोगों को हमने रोजगार दिया अपने माध्यम से, उनके मुंबई में ले जाकर, जी उनके माध्यम से मुंबई में हजारों लोग पहुँच चुका है। आज गर्व के साथ दावा कर सकते हैं कि हम लोग परदेश से एक हम सिर्फ माध्यम थे, माध्यम बने, उस हिसाब से आप बोल सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है बोलने का, अधिकतर हर जगह होता होगा। लेकिन एक स्वराज हमारे सीने में है, एक मिट्टी का दर्द हमारे सीने में, जो बताए बचपन से लेके आज तक, पिछला कोरोना ले लिया, चलिए 6 महीना पहले था, कोई चुनाव नहीं था, कोरोना का समय ऐसा था कि 80% लोग हमारे गांव का बीमार थे, सर्दी खांसी जो भी लक्षण से दिख रहा था, मैं उसमें पूरे गांव को भ्रमण किया। एक गिलोई नुमा काढ़ा जो औषधि उसमें 9 तत्वों को बनाकर आप ही लोगों द्वारा प्रसादित किया गया है, वो काढ़ा बनाएगा अपने हाथ से, उसका मानक तय करके बाबा रामदेव से लेके आयुष मंत्रालय का सारा गाइडलाइन फॉलो करके काढ़ा बना के घर घर दरवाजे तक पहुंचाया। उस मौत के पट्टी बांध कर अपने सेवक इस गांव की सेवा करने के लिए उतरा था, एक एक घर एक एक जन तक गया और सबको काढ़ा पिलाया। ईश्वर का कृपा रहा, परम कृपा रहा, जो भी रहा, या गांव का प्यार सम्मान रहा कि लोग देखते रह गए। जिस दिन से हम लोग काढ़ा पिलाना शुरू करे, हमारे गाँव में मौत रुक गया, सारी बीमारियाँ धीरे 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 मेडिकल स्टोर में भीड़ लगती थी कम हो गया। उसी के उत्साहवर्धक होके हमारे जो सहयोगी डॉक्टर है, लोकल डॉक्टर, उनको भी हमने प्रोत्साहित करने का काम किया, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें। बाकी जो हमारे मेन प्रमुख जनप्रतिनिधि या कॉलेज हॉस्पिटल द्वारा, मैं चैलेंज के तरह कह सकता हूँ, ये कि भी कोरोना मरीज को इस हॉस्पिटल द्वारा जो किट प्रदान की गई थी, जिसमें आपके सांसद जी स्वयं आए थे, किट मांगे तो उन्होंने रजिस्टर बना कर दिया, जिसमें हमने कंप्लेन किया था सांसद जी को, एक मरीज को दिखा दिया जाए 50,000 पॉपुलेशन में, तो नहीं दिया गया था। जरूर जरूर, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है वर्तमान समय में, जैसे सामने सिर पे चुनाव है, सारे लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ है, क्या किया यह एक बहुरुपिया का काम है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? पहले आपसे बता दें कि आप हमारा इतिहास निकाल लीजिए, गांव में पूछे घूम घूम के, 2000 से जहाँ पर जो भी कीचड़ हुआ करता, रास्ता नहीं था, हम लोग बोरी डाल के रास्ता बनाते थे। ये पैसा, ये सोच कहाँ से आई अभी तो देखिए, ये सोच हमारी बचपन की सोच है, सोच हमारी सोच से मिलती है। इसके अलावा कोरोना हो गया, आग लगना हो गया, जलना हो गया, बहुत सारा काम किए हैं गांव में। यानी आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपके हिसाब से ये चुनावी प्रोपगंडा नहीं है, ये मात्र की सेवा की भावना है। आप जो मान लें, ये मातृभूमि का ललकार, आप ये क्लियर कर रहे हैं, आप जो मानना मान लीजिए। देखिए चुनावी मौसम चल रहा है, हम बोले फिर भी अब किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं, 20 साल से जब से होश संभाले हैं, गाँव के लोगों का सेवा किए हैं, मदद किए हैं, रोजगार के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कोई व्यक्ति गया, आज तक कोई 100 रुपये हमारे पर करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकता है, यहाँ से मुंबई तक का 10 रुपया किसी के खाए नहीं है, लेकिन मदद जरूर किया। आप हजारों आदमी को प्रमाण दे सकते हैं, यहाँ नहीं पंचायत नहीं पूरी प्रखंड में पूछेंगे पिंटू तिवारी कैसे व्यक्तित्व है, आपको पता चला। मैं चाहूंगा हमारे व्यक्तित्व के बारे में 10 आदमी से पूछा जाए, हमारे साथ ही प्रसारित किया जाए। जरूर जरूर, धन्यवाद धन्यवाद। ठकराहा प्रखंड अंतर्गत मानव विकास सेवा संस्थान, जैसे कि पिंटू जी ने अभी बताया, इनके हिसाब से लगभग 20 सालों से यह इनके मन में सेवा भावनाएं हैं, और वर्तमान समय में ये कुछ सालों से सेवा संस्थान का रजिस्ट्रेशन लेके और ये अपना कार्य कर रहे हैं। सेवा संस्थान कुछ दिन पहले ही चालू हुआ है, 2-4 साल पहले 10 साल पहले जो भी, पर इस वक्त इनके अंदर जो भावनाएं हैं, जहां तक मेरी सोच थी कि चुनावी समय जब आता है, चुनावी समर जब आता है, उस समय में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में विकास का कार्य का वादा करते हैं, कोई आवास बांटता है तो कोई अन्य योजनाएं देता है, जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। जहां तक ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि इसमें से भी एक लुभावना कार्य हो। कैमरामैन नितेश तिवारी के साथ धीरज श्रीवास्तव ठकराहा चुका है। कारण यह है कि सेवा करना तो लोग को जानना चाहिए कि एक सेवक है गांव में, उसी बहाने कम से कम लोगों से मिलने का, उसी बहाने चुनाव का ही बहाने समझ लीजिए रूट का पता चल गया। हम लोग आए, वर्तमान पूर्व मुखिया हमारे नवल राम जी मिले,
उन्होंने व्यथा सुनाई कि 2 महीने पहले पिछला 4 महीने से रास्ता बंद है, कोई लाश भी मर रहा है, कुछ हमारे मित्र हैं जितेंद्र जी, प्रमोद जी लोग बताए कि भाई लाश ले जाने के लिए लकड़ी लाट के रास्ता नहीं हम लोग पास। जैसे जैसे पता चला हम लोग इसका 7 निश्चय योजना के अंतर्गत देखे तो 2 बार इसको 2018-19 में बनाया गया, लगभग 4.5 लाख रुपये पेमेंट हुआ है। बहुत सारे अनियमितताएं देखने को मिली है इसी सड़क पर, इस सड़क के अलावा भी बहुत सारे अनियमितताएं हैं जिसको कुछ चीज़ें हम लोग को समझ में नहीं आया। अधिकारियों से मिला गया तो उन्होंने कहा भाई आप लोग इसका ऑफिशियल पेपर निकालिए, तो ऑफिशियल पेपर के लिए हम लोग अप्लाई किए हुए हैं। सूचना का अधिकार जो हम लोग को सरकार दिया है उसके तहत 15-20 दिन में जो आ जाएगा और उसमें जो अनियमितताएं होगी फिर हम आपका आपके मीडिया चैनल का सादर आमंत्रित करूंगा कि उस मामला पर फोकस जरूर किया जाए ताकि कोई करता नहीं है। जरूर जरूर। क्या मैं ये जान सकता हूं कि जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके घर में आपकी माता जी मुखिया की प्रत्याशी हैं जी, क्या जैसे कि ये माहौल चल रहा है सभी बरसाती मेढकों के तरह से आप भी इस कार्य को देख के जनता को लुभाना चाहते हैं? देखिए फिलहाल इतना ही, खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आ9 भारत।